मध्य प्रदेश के रतलाम जिला अस्पताल में एक अनोखे बच्चे का जन्म हुआ है। यहाँ एक महिला ने दो सिर और तीन हाथ वाले बच्चे को जन्म दिया है। आपको बता दें कि बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए उसे इंदौर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। यहाँ सीनियर डॉक्टर बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, ये बच्चा है बेबी ऑफ शाहीन। ये माँ जावरा मध्य प्रदेश की रहने वाली है, मतलब उसका ससुराल वहाँ है। माँ की डिलीवरी रतलाम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है। पहली प्रेगनेंसी से ये बच्चा डिलीवर हुआ है। जैसा कि बच्चे की माँ के पिताजी ने बताया है, प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी में इनका ये डिटेक्ट हुआ था कि दो बच्चे हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं किस तरह के, ये डिटेल उनको नहीं मालूम थे या ना ही मालूम पड़े थे। पहले इनकी नॉर्मल डिलीवरी कोशिश की गई थी, वहाँ नहीं हुई तो फिर ऑपरेशन करके बच्चे को डिलीवर किया गया, और जब डिलीवरी हुई तो वहाँ इसमें एबनॉर्मलिटीज पाई गई, तो उसको इंदौर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। इस बच्चे को दो सिर हैं, तीन हाथ हैं और दो पैर हैं। बच्चे का शरीर का ऊपरी हिस्सा कॉमन है। कॉमन मतलब जैसे छाती के नीचे कॉमन है जी, और दो रीढ़ की हड्डी और पूरे स्पाइन भी बने हुए, पेट एक ही है। पेट के नीचे लिंग एक है उसका और पैर दो है। डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी के मुताबिक ऐसे बच्चों में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपको बता दें कि इस बच्चे के दो सिर और तीन हाथ हैं। तीसरा हाथ दोनों चेहरों के बीच पीठ की तरफ है। बच्चे को कुछ देर रतलाम के SNCU में रखा गया, फिर बेहतर देखभाल के लिए बच्चे को इंदौर के MY हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। इनको पेरापेगस डाइसिफिलस कंजॉइंटून बोलते हैं। पेरापेगस डाइसिफिलस मतलब दो सिर और बाकी का हिस्सा जुड़ा हुआ। ये बहुत रेयर है, और जितने कंजॉइंटून के बच्चे रिपोर्टेड हैं वर्ल्ड लिटरेचर में, उसका 0.05% बच्चों में ये होता है। मोस्ट ऑफ द कंजॉइंट ट्विन्स 60% से ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान ही ख़त्म हो जाते हैं या उनका अबॉर्शन हो जाता है। जो कुछ सर्वाइव होते हैं उनमें भी काफ़ी विकृतियां होती हैं, और इनका जी पाना भी बहुत रेयर है।